हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब स्ट्रोलर सीरीज। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस बीम की। तो कंटिन्यूस बीम होता क्या है, जिसमें एक से ज्यादा दो से ज़्यादा सपोर्ट्स होती हैं, उसको हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने गूगल पे डाला कंटिन्यूस बीम, तो फर्स्ट जो पीडीएफ डाउनलोड हुई एनपीटीएल से वो ये हुई। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक कंटिन्यूस बीम इन्होंने मैन्युअली कैलकुलेशन की हुई है थ्री मोमेंट इक्वेशन से। तो आज की वीडियो में कंटिन्यूस बीम एनालिसिस करेंगे, मॉडलिंग एंड एनालिसिस। तो मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया तो मुझे फर्स्ट पीडीएफ मिली एनपीटीएल से, जिसमें एक कंटिन्यूस बीम है ये एनालाइज किया हुआ है मैनुअली, एग्जांपल नंबर 5.22। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एनालाइज कंटिन्यूस बीम वे बाय थ्री मोमेंट इक्वेशन, ड्रॉ शियर फोर्स बेंडिंग में डायग्राम। तो इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दी हुई है एक पिन, रोलर एंड रोलर, यूडीएल लगा हुआ है आपका, एक पॉइंट रोड लगा हुआ है। और इसको फिर थ्री मोमेंट इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद जो हमारी रिएक्शंस हमारी निकली हैं, वो निकली है ये एक रिएक्शन, ये निकली है और रिएक्शन ये निकली है। उसके बाद हमारा शियर फोर्स डायग्राम ये है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं ई टाइप से और फिर इसको चेक करते हैं। तो ये है हमारी प्रॉब्लम। सबसे पहले देखिए, इसमें हमें को एक ग्रिड बनानी होगी। तो ग्रिड देखिए कैसे बनेगी, एक ग्रिड लाइन ये होगी, एक ग्रिड लाइन ये होगी, एक ग्रिड लाइन ये होगी आपकी, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, एक्स डायरेक्शन, और ये है आपकी वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कितनी लाइन हो गई, 1, 2, 3, और वाई में आप कितनी भी छोड़ दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। एक्स में तीन चाहिए, जिनकी स्पेसिंग है 3 मीटर और 3 मीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू डिफ़ॉल्ट इंडियन यूनिट्स ले लेते हैं हम, ओके किया हमने। अब आएगा हमारे पास एक एप्लीकेशन जिसमें हम ग्रिड डिफाइन करेंगे। तो एक्स में हमने कितना चाहिए थे लाइन, 1, 2, 3 और 3 3 मीटर स्पेसिंग। तो एक्स नंबर ऑफ लाइंस इन एक्स ग्रिड इज 3, और वाई में कितना भी हो लेकिन एक्स में जो स्पेसिंग है वो 3 मीटर है। स्टोरेज का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके कर देते हैं। ये हमारी ग्रिड आ गई है। तो देखिए इस वाली लाइन पर, ग्रिड के ऊपर हम बीम ड्रॉ करेंगे। अब बात करते हैं मटेरियल और बीम और का क्रॉस सेक्शन। तो प्रॉब्लम में देखते हैं, तो इस प्रॉब्लम में तो कोई क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, इसका मतलब जो रिजल्ट है हमारे वो डिपेंड नहीं करते हैं क्रॉस सेक्शन पे और उसके मटेरियल पे। जो भी रिजल्ट है वो एक्सटर्नल लोड की वजह से है। तो हमें कोई मटेरियल या प्रॉपर्टी नहीं ले, डिफॉल्ट हम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से लिया बीम और ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब क्या करते हैं, कंट्रोल डी से इसको हाइड कर देते हैं ग्रिड को, या यहाँ से भी हाइड कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है
सेट ग्रिड विजिबिलिटी, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये चलिए इसको विंडो को बैठा देते हैं। तो ये आपका बीम, तो यहाँ पे हमारी कौन सी सपोर्ट है, पिन, और दोनों सपोर्ट जो है रोलर है। तो असाइन जॉइंट रिस्ट्रेन पिन, फिर हमने ये सिलेक्ट की और ये सिलेक्ट की, और यहाँ पे असाइन किया हमने रोलर सपोर्ट। ये हमारा बीम बन चुका है। इसको हम एलिवेशन में देखते हैं, ज़्यादा सही दिखाई देगा। हमने दोबारा ग्रिड ऑन की, तो एलिवेशन में हमें कौन सा चाहिए, फोर, एलिवेशन फोर, ओके। देखिए ये रहा बीम, और अब ग्रिड को हम हाइड कर देते हैं। अब बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, पिन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। उसके बाद क्या है हमारा, 120 किलोमीटर एक सेंटर में लोड लग रहा है, और 40 किलोमीटर पर मीटर एक हमारा लग रहा है यूटीएल। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, असाइन फ्रेम लोड, पॉइंट लोड, डिस्टेंस 1.5 और 120 किलोमीटर, ओके। डेड लोड, हम यहाँ पे लाइव लोड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो रिजल्ट चेक करने हैं केवल, उसमें गिवन नहीं है कि डेड है या लाइव है। लेकिन आपको दोनों चीज़ करके दिखाऊंगा मैं, लाइव से क्या फ़र्क पड़ेगा और डेड से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने ओके किया, लोड लग गया, और यहाँ पे हमारा 40 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। असाइन फ्रेम लोड 40, डेड, ओके, ये हो गया। अब बस हमको एनालाइज करना है। सेव करने के लिए पूछेगा, उसको डाल देते हैं हम सी बीम। अभी जो हमारे पास शेप आएगी वो क्या आएगी, डिफॉर्मेशन शेप। ये आ गई हमारी डिफॉर्मेशन शेप। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्लिक करना है, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं रिएक्शन कैसे चेक करते हैं, और एफ जेड रिएक्शन ड्यू टू डेड लोड। और ऐसा करते हैं टेबल फॉर्म में ले लेते हैं इसे, यहाँ पे जो टैबलेट फॉर्म है। तो एफ जेड कितना आ रहा है, 44 ए पर, और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 41, और यहाँ पर भी 41.25, और यहाँ पर 157, 157, 41, 41। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि हमारा रिजल्ट मैच नहीं हो रहे। देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ई टैब ऑटोमेटिकली सेल्फ एड ले लेता है, और सेल्फ एड की वजह से इसमें हमारा रिएक्शन में फोर्स ज़्यादा आ रहा है। तो हमने क्या किया, अनलॉक किया। हाँ, अगर मैं बता रहा था, अगर मैं हम लोड अप्लाई करते लाइव में तब रिजल्ट हमारे बिल्कुल सही आते, क्योंकि लाइव लोड के अंदर सेल्फ एड नहीं होता, डेड के अंदर होता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, असाइन फ्रेम प्रॉपर्टी मॉडिफायर, और यहाँ पे हमने वेट जीरो किया और मास जीरो किया, ओके किया। तो पीएम लिखा रहा है प्रॉपर्टी मॉडिफायर। अब एनालाइज कर देते हैं, और अब रिएक्शन देखते हैं। तो 154, 42, 42, इसमें क्या आ रही है आपकी, इसमें आ रही है 41, 41, 157 अलग आ रही है ना। एक बार लोड चेक कर लेते हैं। नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको सीखना है तो इसी तरह सीखिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, तभी आपको पता चलता है। अगर मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना देखूँ तो मुझे लगेगा कि मैंने कंटिन्यूस बीम पे लोड लगा दिया और एनालाइज भी कर दिया और ये सही है, जबकि हमारे रिजल्ट सही मैच नहीं हो रहे हैं। तो अब हम इसके रिजल्ट मैच कराने के लिए क्या क्या दिक्कत हो सकती है देखते हैं। 120 किलोमीटर सेंटर पर लग रहा है, करेक्ट। 40 किलोमीटर मीटर, ये भी करेक्ट है। और देखते हैं इसमें और क्या लिया है उन्होंने, आई कांस्टेंट है इसमें। एक बार शेयर फोर्स और चेक कर लेते हैं, हम 42 शेयर फोर्स भी अलग ही आएगा, राइट क्लिक करके देख लेते हैं। तो शेयर फोर्स आ रहा है आपका
77 एंड 42.95, जबकि हमारा इस प्रॉब्लम में कुछ और आ रहा है। तो चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें, एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं दोबारा। एनालाइज द कंटीन्यूअस बीम बाय 300 ट्रॉस शियर फोर्स बाय डोमेन डायग्राम, और जो हमारे फोर्सेस हैं वो हैं 120, 40, ठीक है, 3 मीटर, 3 मीटर। एक बार हम ग्रिड को ऑन करके देख लेते हैं क्या 3 मीटर ये प्लान में जाके, तो ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, ठीक है। दोबारा एलिवेशन में जाते हैं, ये हमारा है रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और पिन सपोर्ट, सेम एज पिन रोलर। पिन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट, तो कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है? हमारी रिएक्शंस आ रही हैं यहाँ पे 42, 154 एंड दिस। एक बार दोबारा लोड देखते हैं 40 एंड 120। बट जब हमने सेल्फ वेट लगाया था इसमें तब हमारा ये दिक्कत नहीं आई थी। तो हम क्या करते हैं, एक बार इस लोड को लगाते हैं हम लाइव लोड में। तो फ्रेम लोड, पॉइंट लोड हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, उसी तरह इसको सिलेक्ट किया, असाइन फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिलीट, और दोबारा से हम लगाते हैं असाइन फ्रेम लोड, पॉइंट लोड, लाइव लोड में 1.5 मीटर, ओके। और एक लोड लगाते हैं यहाँ पे असाइन फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूट लोड 40, लाइव लोड में। अब एनालाइज करते हैं, आई थिंक सपोर्ट हमारी कहाँ चली गई, ओके। जब हमने यहाँ पर रिएक्शन देखा, यहाँ पर हमें लाइव लोड करना पड़ेगा 42, 154 एंड 42। इसमें सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं किया है तो रिजल्ट ये आ रहा है, बट यहाँ पे हमारा शियर फोर्स। एक बार बेंडिंग मेथड चेक कर लेते हैं, इस बीम में हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 64 और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कुछ और आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? VA इज इक्वल टू 120 into 1.5 माइनस VA into 3 56.25। एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 27 में कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ है। तो 120 into 1.5 माइनस 56.25 डिवाइड बाई 41.25, एंड ये 56 कैसे आ रहा है आपका? फ्रॉम हियर
थ्री इंटू 90, एक बार इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो 3 इंटू 90 टू 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 3, 405, देन ये 4 इंटू 45 इंटू 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 3 माइनस 405 ये 135 आएगा यहाँ पे मोमेंट, ये जो मोमेंट निकाला गया है एम ए इज इक्वल टू 3/I 2 MB बराबर दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0 MC 0 MB। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 इंटू हाफ 3 इंटू 90 इंटू 3 इंटू 1.5, इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल आउट हो गया तो आपका कैलकुलेशन क्या बची, 3 इंटू 90 इंटू 1.5